जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए आम अभी कच्चे हैं, लाछी के साथ की। तो ये ना दिन बार बार नहीं मिलते, लौकी में ना फूल भी आने, रेड कलर का इसका दुपट्टा, तुरई भी लगी हुई है इसमें, कागजी नींबू लगे हैं इसमें। हेलो गाइस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेके ब्लॉग्स में, और मैं हूँ भाग्यश्वर देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज व्लॉगिंग की स्टार्टिंग ना मैं कर रही हूँ इवनिंग से, तो यहाँ ना दिन में बाहर निकलने जैसा हो नहीं रहा है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मैं कहीं आपको ले जा नहीं पा रही हूँ अपने साथ। और इनके साथ ना ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब बच्चों के साथ, क्योंकि हाथ यहाँ वहाँ छोड़ के भाग जा रहे हैं और नानी का कहना तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं। मम्मी आ गई है पानी डाल के, ये आदि हो रहा है तैयार, सैंडल पहन रहा है मीन नविया, यहाँ को आओ यहाँ को आओ। तो आज ना मम्मी लोगों ने बहुत देर कर ली आने में, और गए भी देर में ही थे, फिर क्यों और धूप में पानी भी नहीं डालते, कहते हैं ना लेटर में चटक जाता है चटक। देखो जिस दिन को भी देखती है ना ओल्ड एज के, सबको अपना दादी समझती है, लग जाती है बातों में। नविया साइड साइड से, मैं भी भागती हूँ। नविया साइड 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 से। आज हम इस कॉलोनी से जा रहे हैं घूमने के लिए। वाह कितने अच्छे फ्लावर है ये, कौन से फ्लावर होंगे मम्मी, शोपीस है ये। वाह उसके पास जाने के लिए, मारती है वो, मारती है वो। ये देखिए यहीं पे बाहर से पिनालू की भी लगे हुए हैं पेड़। प्यारे दर्शकों ये देखिए आम अभी कच्चे हैं, खाना है आपको। वाव देखो कितने प्यारे प्यारे मैंगो हैं, चटनी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। मम्मी देखिए सत्संग भवन के बाहर खड़ी हो गई है। देखिए ये रही कद्दू की बेल, और आगे पे यहाँ पे देखिए लौकी की बेल है, ये लौकी में ना फूल भी आने लग गए और बहुत जल्द इसमें लगेंगे लौकी। मम्मा चलो। तो यहाँ पे देखिए गन्ने के पेड़ अभी बड़े नहीं हुए इतने, और ये सब देखिए केले के पेड़ आगे तक, कितनी हरियाली है यहाँ। और इस साइड है आम का पेड़। देखिए पानी के ट्यूबवेल काम कर रहे हैं, पहले मम्मी लोग यहीं से दूध लाया करते थे सिस्टर आंटी के वहाँ से। ट्यूबवेल क्यों लगा रखा है इन्होंने बताओ तो? इसलिए लगाते हैं खेतों में सिंचाई करेंगे ना वो। हाँ। अभी रुपाई लगे जैसे धान बोएंगे तो बारिश नहीं होती, तो इसी से तो लगता है फिर। ओके अभी देखिए ये तुरई की बेल, एक तुरई भी लगी हुई है इसमें। ये देखो लोगों ने अपने घर के बाहर तुरई लौकी कद्दू सबकी बेल लगा रखी है। ये देखिए कागजी नींबू के पेड़, और कितने सारे कागजी नींबू लगे हैं इसमें। थोड़ा जूम करती हूँ देखिए, ये आज तो बहुत कुछ देखने को मिल गया है। नविया ना कागजी नींबू को पपीता बता रही है। तो देखिए यहाँ पे क्यारियों में ना अदरक भी लगा रखे लोगों ने, ये अदरक के हैं। और इस साइड है चौलाई हरी सब्जी, आलू के साथ मिला के ना बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए ये है बीन्स के पेड़, आलू बीन की सब्जी बहुत गजब की बनती है। ये देखो तो यहाँ पे देखो अंकल पानी डाल रहे हैं अपने खेतों में क्यारियों में, और ये देखो भिंडी। यहाँ तो मम्मी सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं है ना, अब रे लोगों ने घर के आ गई भिंडी टमाटर बीन्स कद्दू लौकी सब लगा रखे। तो इसे निकलते निकलते हम पहुँच गए हैं रोड में, तो पंतनगर में जहाँ देखो खेत ही खेत, हरियाली हरियाली। क्या खाओगी बताओ? आइसक्रीम। और क्या खाओगी बताओ जल्दी? चीप। अब हम आ गए हैं क्लिनिक। हाँ 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 सब मिलेगा, सब मिलेगा आपको। हाँ पहले दवाई लगा, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सॉरी नविया लग गया टेप, अब लग गया, लग गया पुशी। नविया ना बहुत तेज भाग रही थी ना, उसका जरा घुटना छिल गया था, तो हमने कहा थोड़ा सा ना उसको मेडिसिन लगा लेते हैं। कैसे रो रही है मेरा बेबी, ये तो गर्मियों के दिन है ना इन्फेक्शन हो जाता है। नविया को देंगे चॉकलेट। हाँ चलो चलो चलो, अब हम ना ग्राउंड में बैठ गए हैं, और नविया के लिए देखो कितनी चीजें ले रखी है। तो मम्मी ला गई हमारे लिए आइसक्रीम, और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी की और आदि की है मैंगो फ्लेवर, मेरा है ऑरेंज, नविया ने वो भी पकड़ लिया। तो ये ना दिन बार बार नहीं मिलते मायके आके, खूब अच्छे से एंजॉयमेंट होती है ना, कि ससुराल में तो काम काज करो नहीं, वहाँ भी होता है, लेकिन ये दिन ना बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, प्रेशियस होते हैं, साल में एक ही बार आता है। गोल्डन मेमोरीज साल में एक ही बार आता है दोस्तों। तो पिछले बार भी ना मैं जून में आई थी, इस बार भी जून में ही आई हूँ। अगर अब देखो क्या पता गृह प्रवेश के टाइम पे अगर पॉसिबल होगा तो आप आऊंगी, ये तो फिर से अगले साल वही जून में ही है। तो ना हम खूब मस्ती करते हैं। कुछ बोलो। डॉगी भी नहीं पॉपकॉर्न खा रहा है वो, लो ये मॉडर्न मॉडर्न डॉगी। इतना क्यों दे रहे हो उसको?
किसके लिए ले रखा है वो? उनके लिए। तो अब 7:30 हो गया है और अब हम जाने लगे घर को। अभी आधा घंटा और है हमारे पास। फिर जो एक्स फौजी साहब है ना, मम्मी जी के हस्बैंड और मेरे पापा, उनको करेक्ट खाना चाहिए होता है 8 बजे। तो हमारा ये है कि दिन की सब्जी दाल है ये हमारी, और फटाफट आटा गूंदेंगे और रोटी बनाएंगे। तो गाइस हम घर पहुंच गए थे टाइम पे, हमने खाना पीना सब खा लिया है। और ये देखिए, ये है मेरी मम्मी का बहुत ही प्यारा सा लाछा। जैसा भी है मेरी माँ का लाछा है वो, मुझे इससे बहुत प्यार है। और पुराने जमाने का नहीं, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। आप लोग नहीं, आप बूढ़ी गोल नहीं हो, बहुत सुंदर हो, विश्व सुंदरी मेरी माँ। आप लोगों को ना खोल के दिखाती हूँ एक बार, इससे नेफ्थलीन बॉल मतलब कि कपूर की इतनी खुशबू आ रही ना, खतरनाक। बच्चे बूढ़े कहाँ हो, ये कहने का क्या मतलब है? मैं बूढ़ी हो गई हूँ? बच्चे बूढ़े नहीं है, बच्चे भी यंग है बिल्कुल। क्यों गाइस, कमेंट करना बच्चे यंग है बूढ़े हो गए। देखो तो मम्मी ऐसी बात कह देती है। मम्मी थक गई है, हम अपना ना अपना ब्लॉग बनाते, ठीक है। पीच कलर का लाछा है और रेड कलर का इसका दुपट्टा है। नविया पहले आ गई है। तो ये रहा इसका दुपट्टा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है मम्मी का छोटा सा ब्लाउज, और ये है देखिए लाछा, कितना प्यारा लग रहा है। और मम्मी कह रही कि बहुत बेकार है, इतना प्यारा तो है देखिए। तो मैं ना मम्मी से पहनो कह रही हूँ, मम्मी पहन तो नहीं रही है, तो ना मैं ही इसको पहन के दिखाती हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत थक गई है। मम्मी कह रही मैं कभी और अच्छे से सज धजूंगी, फिर पहनूंगी, फिर कैटवॉक भी करूंगी, तब तक ना मैं इसको कैरी करती हूँ। तो दुपट्टा भी ना बहुत प्यारा लग रहा है इसका, देखिए रेड और गोल्डन में। तो ना मैंने मम्मी का पहन लिया है लाछा और हो गई हूँ तैयार। एक बार आप लोगों ने अच्छे से ठंडी पुरवाई रास्ता देखे। मैंने कान में ना डाले हैं डबल झुमके, और ये है ग्लोबल मम्मी का, बाकी चीज तो मैं मान नहीं सकती थी। और ये चूड़िया भी मम्मी की है, लाछे के साथ, लाछे के साथ की। रूम में ना वीडियो ना उतनी अच्छी नहीं आ रही है, पापा सो गए हैं वाले रूम में, नहीं तो पापा वाले रूम में ना बहुत अच्छी आती है। इस वाले रूम की जरा लाइट डिम है ना, तो वीडियो ना अच्छी नहीं बन पा रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मम्मी का लाछा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब समय आ गया कि मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँ, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और मम्मी का लाछा कैसा लगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, और हाँ घंटी वाला बटन जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूले, तभी आपको मेरे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। बाय बाय।